हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड। आज मैं एक्सेल को लॉजिकल फार्मूले को लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने टेक्स्ट फार्मूले को कवर किया है, टाइम फार्मूले को और होम यूनियन को भी मैंने पूरा कवर किया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है सेशन, तो आप ज़रूर देखें। अगर आप ऑफिस वर्क सीखना चाहते हैं तो चलिए मैं इसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। लॉजिकल फार्मूला समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी पड़ेंगी, जैसे कि कुछ कंडीशनल वाले ऑपरेटर, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इज इक्वल टू, इनके बारे में। तो देखो जी, यहाँ पर क्या है, मैं लिख देता हूँ एंड फार्मूला। एंड फार्मूले को समझना हो ना, तो आप ऐसे समझना, देखो इज इक्वल टू ए एंड डी ब्रैकेट। लॉजिकल टेस्ट की टेस्ट के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर दो कंडीशन देंगे, अगर दोनों कंडीशन मैच करता है तो ट्रू अन्यथा फॉल्स। एंड का जो रूल कहता है वो मैं बता देता हूँ पहले आपको कि एंड क्या कहता है उसके बारे में। एंड का रूल ये कहते हैं कि एनी वन कंडीशन इज फॉल्स। आंसर क्या आएगा? आंसर भी आएगा फॉल्स। मतलब इसमें ये कंडीशन है कि ऑल कंडीशन आर ट्रू, ठीक है, यहाँ बात करेंगे ऑल कंडीशन इज ट्रू, देन रिटर्न आंसर ट्रू। मतलब ये है कि एंड फार्मूला उन चीज़ों पे लागू होता है जहाँ पे कहा जाता है और, यानी दोनों कंडीशन अगर सही है तो आंसर ट्रू आएगा, दोनों में से कोई एक कंडीशन गलत है तो आंसर गलत आएगा, ठीक है ना। यहाँ देख लो इज इक्वल टू किया मैंने, लिखा मैंने एंड, और यहाँ मैं एक कंडीशन देता हूँ, मैंने लिख दिया 10 ग्रेटर देन 5 और कॉमा। देखो यहाँ पर क्या हुआ, पहला कंडीशन हमें सही लग रहा है ना, क्योंकि 10 बड़ा है 5 से, और यहाँ पर हमने एक और चीज़ लिख दिया कॉमा लगा करके, 15 लेस देन 20। अब देखना ध्यान से, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस करो, तो आंसर क्या है, ट्रू। क्यों? क्योंकि दोनों आंसर ही सही था। देखो 10 बढ़ा है 5 से और 20 बढ़ा है 15 से, तो आंसर क्या है, दोनों सही है। इसके बाद एक और देखो, यहाँ पे मैंने लिखा ट्रू, सॉरी हमने लिखा यहाँ पे एंड। एंड फार्मूला लगाने के बाद एक और कंडीशन यूज़ करते हैं, एक रॉन्ग फॉर्मेट, एक राइट फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। हमने लिखा 5 ग्रेटर देन 10, है ना, कॉमा दिया इसके बाद, क्योंकि देखो अभी ये कंडीशन में फॉल्स लग रहा है ना, क्योंकि 10 बड़ा है और इसमें बोल रहा है कि 5 बड़ा है 10 से, तो आंसर वैसे भी गलत हो जाएगा। अब एक को हम सही कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिखा 20 लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 10। अब देखना ध्यान से, आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन था पहला सही है, सॉरी ये पहला रॉन्ग है और दूसरा सही है, यानी दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन गलत होगा तो आंसर भी क्या आएगा, रॉन्ग आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने जाना एंड फार्मूले के बारे में। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला, इसे कहते हैं और फार्मूला, है ना। देखो जी, जो और फार्मूला होता है, और फार्मूले का हम यूज़ करते हैं कैसे, वो देखो और फार्मूला लिख दिया मैंने। इसमें ये कहा जाता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर सही है तो आंसर भी आपका ट्रू आएगा, ठीक है ना। लिख सकते हैं यहाँ पे एनी वन कंडीशन इज ट्रू, रिटर्न ट्रू आंसर। तो यहाँ पे आपने ये जाना कि ऑल आर का मतलब ये हो जाता है कोई एक, ठीक है, दोनों में से एक कंडीशन अगर सही है तो आंसर सही आएगा। आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखना हो तो लिख दो यहाँ पे और, ब्रैकेट प्रेस करो और लॉजिकल फार्मूला आप दे दो यहाँ से। आप दे दिया 25 लेस देन 6, तो कॉमा लगाया, और इसके बाद यहाँ पे एक और कंडीशन देंगे हम, हमने लिख दिया 45 ग्रेटर देन 6, ब्रैकेट क्लोज किया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, 25 और 6, यानी ये कंडीशन रॉन्ग है और ये कंडीशन आपको दिख रहा है 45 बड़ा है 6 से, इसका जो सिंबल है बीच वाला
उस सिंबल को हम केयर करते हैं। इंटरप्रेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन सही था, एक कंडीशन रॉन्ग, एक कंडीशन सही था। इसके बाद हम बात करेंगे एक और फार्मूला, देख लो यहाँ पर इसी पे इज इक्वल टू क्या लिखे हम, लिखते हैं यहाँ पे और ब्रैकेट लगाया। अब हम दोनों को रॉन्ग करके देख लेते हैं कि क्या आंसर आता है ना। तो हमने यहाँ पे दे दिया फोर ग्रेटर देन वन, सॉरी ग्रेटर देन फाइव कॉमा एट लेस देन वन। अब देखो क्या होगा आंसर, इंटरप्रेट करो, देखो दोनों में क्या है, दोनों आंसर रॉन्ग है। दोनों में जो हमने जो यूज़ किया फोर फाइव, ठीक है, तो ये इसका जो फॉर्मेट है रॉन्ग है, इसलिए कहते हैं बोथ कंडीशन और रॉन्ग देन रिटर्न रॉन्ग वैल्यू, मतलब फॉल्स वैल्यू। इसके बाद एक और चीज़ है, नेक्स्ट फार्मूला है, इस फार्मूले को बोल के हम लोग नॉट, नॉट का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई नेगेटिव वैल्यू रिपीट करानी है। जब आंसर राइट आता है तो इसका अपोजिट वर्क करता है। इज इक्वल टू करो, लिखो नॉट, ब्रैकेट लगाए और यहाँ पे एक फंडा देंगे, कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ग्रेटर देन फाइव, तो इसका अपोजिट वर्क करता है। अगर आंसर ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, फॉल्स अगर आंसर लिखा आपने, ठीक है, तो उसका ट्रू आंसर आएगा। इसे देख सकते हो यहाँ पर, आपने देखा कि 15 ग्रेटर देन 5, तो आपको पता है कि 15 बड़ा है 5 से, ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या था, फॉल्स। अगर इसी चीज़ को आप नॉट लिखो, ब्रैकेट लगाया, आपने लिख दिया इसका अपोजिट जस्ट कि 25 ग्रेटर देन 6, तो क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पर, फॉल्स, है ना, क्योंकि ये दिख रहा है आपको कि 25 बड़ा है 6 से, ये सही था। अगर मैं इसी को यहाँ पर इसको जो सिंबल है चेंज कर दूँ, लेस देन कर दूँ, तो देखना क्या होगा, आंसर ट्रू आएगा, जस्ट अपोजिट वर्क करता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हो, यहाँ मेरे पास एक फॉर्मेट पड़ा है, इफ़ एरर का फार्मूला यूज़ करना हो तो यहाँ पर हम कई फार्मूले यूज़ करते हैं एक्सेल में। बेसिकली देखो हम तो जानते हैं सिंपल फार्मूला यूज़ करना, लेकिन एक फार्मूले के अंदर भी दूसरा फार्मूला होता है और दूसरे फार्मूले के अंदर भी एक दूसरा फार्मूला होता है। जैसे एक फार्मूला दिख रहा होगा आपको इफ़ एरर, और यहाँ पर एक वी लुकअप भी यूज़ है, फिर उसके बाद रो है, ठीक है, इसी के साथ देख सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर एक मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, जैसे कि यहाँ पे एक ऑफसेट भी फार्मूला लगा है, काउंटिव फार्मूला लगा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ इनमें से फाइंड हो जाए तुरंत, ठीक है, मैं लिखता हूँ आर, आर जैसे मैं फाइंड करूँगा ना तो ऑटोमेटिक जो आर इनमें दिखेगा ये बाहर आ जाएंगे। तो इस सेशन को मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूँगा, ठीक है, जो फार्मूला इफ़ एरर है उसको मैं पूरा अच्छे से बताऊँगा, कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है, सर्च लिस्ट कैसे यूज़ होता है, और कैसे ये फाइंड ओवर करके अलग अलग मैटर आ जाता है, ठीक है।